मंजर देख रहे हो कितना खूबसूरत Hello and welcome back to another vlog. Today I am still नहीं मज़ा नहीं आया अब यार। फाइनली भाई अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो रात कटी है और ये जो है ना यादगार रात रह गई हमारी। कायरो में जो है ना वो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रात गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था और हम कोई ऐसी प्रिकॉशंस हमने की नहीं थी। मैं आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ करना है, तो रात को भी मास्क लगा के बैठे। और हाँ, वन ऑफ द मेमोरेबल। तो अभी जो है वो फ़िलहाल बस ऑर्डर किया है नाश्ते के लिए कि नाश्ता देंगे। अभी जो है ना ऑर्डर किया है नाश्ता और बस अभी फ़िलहाल तो टी आई है। अभी फ़िलहाल नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता करने के बाद आपको फिर थोड़ा सा एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट दिखाता हूँ कि कायरो एयरपोर्ट कैसा है और क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें नहीं है। फ़िलहाल तो सही था, रात में जो चीज़ें बताई थी मैंने आपको वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन आज के व्लॉग में बस ये होगा। अभी इस व्लॉग में हम आपको इतना दिखाएंगे कि कायरो एयरपोर्ट दिन में कैसा लगता है सिंपल। इस व्लॉग में कायरो एयरपोर्ट, इजिप्ट का कायरो एयरपोर्ट किसी को अगर देखना है, इजिप्ट का कायरो एयरपोर्ट अगर किसी को देखना है तो इस व्लॉग को मज़ीद कंटिन्यू देखते रहें। और अगर जो इंटरेस्टेड नहीं है वो हटा सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड है वो पहले बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद फिर इस व्लॉग को देखेंगे मज़ीद आगे। और इन्वायरमेंट बड़ा किलर है, लाइक बहुत ही किलर इन्वायरमेंट है। तो चलते हैं, पहले नाश्ता वगैरह करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता दिखाते हैं आपको कि हाउ टू हैव ब्रेकफास्ट इन कायरो। ओके, वही वैसे ही मुँह से खाना है, यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है यार, लेकिन चीज़ें नहीं है। डिश बड़ी अच्छी अच्छी थी ब्रेकफास्ट की। और कॉफ़ी ये देखिए, ये वाली काफ़ी टर्किश काफ़ी, सो बस अभी नाश्ता से स्टार्ट करते हैं, नाश्ता कंप्लीट करेंगे फिर एयरपोर्ट दिखाता हूँ। ठीक है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फाइनली ब्रेकफास्ट इज़ हेयर एंड नाउ जस्ट स्टार्ट करना है भाई। भूख लग रही है बहुत टाइट भूख लग रही है। और जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नाश्ता करना ज़रूरी हो गया। तो ये आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द ऑर्डर और दिस इज़ फॉर्क और दिस इज़ नाइफ। दिखा रहा हूँ, बाद में बोलना नहीं होता क्या क्या चीज़ है। और कॉफ़ी, सिंपल सा नाश्ता है। अब चलता हूँ, ये ख़त्म करने के बाद फिर एयरपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ताकि इस व्लॉग का जो एक मेन पर्पस है, जो हेडिंग हमने बताई है कि जो टाइटल डाला है कायरो एयरपोर्ट, उसके हिसाब से इस व्लॉग को अभी एयरपोर्ट दिखाता हूँ पूरा। ओके, सो ये है भाई कायरो एयरपोर्ट। और आपको इजिप्ट के जो जहाज़ खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, और जहाज़ यहाँ पर चल भी रहे उतर भी रहे, और हम मज़ीद जो है ना वो आज भी दिखाएँगे। ये है पूरा कायरो एयरपोर्ट का रनवे, और हम आपको मज़ीद एयरपोर्ट की बहुत सारी वो वहाँ भी, लेकिन हम जा रहे थे अपने गेट की तरफ, हमें F10 जाना है, लेकिन तो है वो अभी हम रनवे का बनाते हैं वीडियो। और ये है यहाँ पे रनवे इस तरह से, और वो आई थिंक पैसेंजर ड्रॉप है, पिकअप है, और हम अभी इसको मज़ीद कवर करेंगे। अच्छा, हमें जाना है F10 गेट, क्योंकि वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है मगर वो म्यूज़ियम के ऊपर भी इन्होंने हर चीज़ के ऊपर किराया मारा हुआ है ठीक ठाक वाला। सो फिलहाल हम अभी F10 जाते हैं। फाइनली बस ये मैं रनवे पे पहुँच गया हूँ, और यही बस इजिप्ट का पूरा जो है वो एयरपोर्ट है। और इस तरीके से उतर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट में, तो प्लान बस फ्लाइट का, ये फ्लाइट में बैठेंगे तो उसके बाद ये वाला एयरप्लेन है, इसमें अपन जाएगा इजिप्ट एयर वाला नज़र आ रहा है ये, और ये रनवे है पूरा, और ये वाला भी इसमें अपन बैठेगा। ठीक है, फ़्लाइट में बैठ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे ना पहली चीज़ मतलब मैंने ये चीज़ पहली दफ़ा देखी है कि लाइफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बताई भी हैं और साथ साथ बोला कि B-73 की जो इंस्ट्रक्शन है ना वो लाजमी पढ़ लो। एमरजेंसी एग्ज़िट के ऊपर मुझे सीट मिली और ये तो वैसे ही इतना स्केर्ड लग रहा है और थोड़ा सा हॉररेबल वाला सिचुएशंस लग रही है। एमरजेंसी एग्ज़िट के पास मुझे सीट दे दी इन्होंने और कहा इंस्ट्रक्शन पढ़ सेक्शंस ठीक है ओके। दिस इज इंस्ट्रक्शंस लाइक बी से जो है ना जो विंडो मेरे पास है यानी कि दिस विंडो इज देयर दिस एंड आई एम हियर। सो अगर कोई सीन होता है तो यहाँ से आपको बी से 1 स्टेप से खोलना है, 2 से निकलना है, 3 से होगा। अब ये निकलना तो है, अभी हवा में मेरे को पैराशूट तो दिया नहीं इन्होंने, पैराशूट क्या करूँगा। सेकंड चीज़ बोला कि भाई ये अगर हो भी जाए और पानी में गिरते हैं तो भी वेस्ट के कोई आइडिया नहीं है कहाँ है किधर है क्या नहीं। ये दिया जहाज़ में ये 3 एग्ज़िट के रास्ते हैं, ये देख लो A, B और A, ये 3 एग्ज़िट के वे हैं, इस तरह से एग्ज़िट हो सकते हो ठीक है। बाकी बच्चों के लिए बेल्ट वेल्ट ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। तो अब जो है ना ये वैसे तो कोई डर वर नहीं था मुझे और ये 7 घंटे की फ़्लाइट है, 7 आवर्स ठीक है, 14 आवर्स एटलीस्ट जो है ना वो हमने इंतज़ार किया इस फ्लाइट का। एटलीस्ट 8 आवर्स की फ़्लाइट अभी स्टार्ट होने वाली है, तो क्या होने वाला है कुछ भी आइडिया नहीं है। बट एक्सपीरियंस लाइफ का ये मतलब बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया, चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली, बहुत कुछ ऐसा मिला जो अनएक्सपेक्टेड था। रात बहुत बुरी गुजरी, बहुत ही गंदी रात गुजरी, इतनी सर्दी और मैं जस्ट वेयर किया हुआ था कि सिंपल सी टी शर्ट, ये तो मैंने ऐसे ऊपर से डाल ली पर फ़ायदा नहीं है इसको डालने का, ये बस ऐसी फैशन वेशन के लिए रखी हुई थी लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ डालने का। लेकिन बहुत बुरी रात गुजरी सर्दी में। अब स्टार्ट क्या है कि ये वाला सफर स्टार्ट है जो है जो टाइम किलिंग की जो चीज़ें हैं ना, मोबाइल चार्ज कर ली हैं दोनों, लैपटॉप के अंदर जो है ना चीज़ें अपनी फिल्म वगैरह 1-2 डाल ली हैं, तो बहुत ज़्यादा भी क्रॉस हो जाएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे क्रॉस हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आते में ना जब यहाँ पहुँचा था मैं इजिप्ट जब पहुँचा था जब फ्लाइट लैंड हो रही थी ना, नए हैं ना हम तो एक्सपीरियंस भी नया नई चीज़ें समझ नहीं आ रही कितनी, तो कान दोनों टोटली बंद। और अभी इस फ्लाइट में देखें क्या होता है, इस फ्लाइट में ये है कि अभी 7 घंटे बैठना है, 7 घंटे का जो सीन होता है ना वो अलग ही होता है, नॉर्मल सीन अलग होता है, 7 घंटे का सीन अलग होता है। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं और अगर कोई सवाल जवाब हो तो वो कर लेना भाई, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो ट्रैवलिंग करने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन थी कि उस तरह की वीडियोस क्रिएट करूँगा, उस तरह की वीडियोस करूँगा तो बहुत ज़्यादा ऐसे मामला थे जिसमें वीडियोस क्रिएट नहीं हो पा रही है उतनी अच्छी जितनी अच्छी करना चाहता हूँ। तो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो तो जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब शेयर करूँगा, अभी सिर्फ जो आप बीती बता रहा हूँ जो अभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो वीडियो उतनी अच्छी भी मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं उतनी अच्छी क्रिएशंस कर पा रहा हूँ चीज़ों को, इक्विपमेंट्स सब है सारी चीज़ें, मगर वो एक माइंड जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ रही है, हर चीज़ के हर जगह के रूल्स अलग हैं, हर जगह के रिस्ट्रिक्शन अलग हैं। इजिप्ट इस मतलब मैं बताऊं बहुत सारी बातें होती हैं ना वीडियो में नहीं बोल पाते हैं, चीज़ें नहीं बोलते, लेकिन इजिप्ट इस समझ जाओ बस। तो बहुत ही यानी कि एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल रहा इसका, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा। अब देखें आगे क्या होता है। अब जहाँ जा रहे हैं तो वो तो खूबसूरत शहर है और सॉरी खूबसूरत मुल्क है, वो उस मुल्क में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग भी हैं, तो सरप्राइज्ड है, बस थोड़ा सा डेंजरस भी है। आजकल जो है ना वो सीन ये चल रहा है कि वहाँ पे चल रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ इलेक्शंस वगैरह का सिलसिला, तो उसमें के थोड़ा सा डेंजरस भी है, लेकिन हम जाएंगे अपने हिसाब से देखेंगे और सेटिंग बनाएंगे कुछ नया करने की। तो होप यू गाइज आर एन्जॉइंग माई ब्लॉग्स एंड माई एवरी सिंगल ब्लॉग्स। और पिछली वीडियोज़ अभी जब वापस जाएँगे हम अपने दुबई की साइड तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे मज़ीद और भी चीज़ें हैं जो अभी स्किप हो गई जल्दी में, यहाँ आना था, तो इस तरह से ये ट्रेवल्स चलते रहेंगे। तो देखते रहें आप मेरे ब्लॉग्स और कोशिश करेंगे शेयर करें लोगों को, और कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, और अगर आपको भी कोई चीज़ पर्सनल पूछनी हो तो यू कैन कॉल ऑन इंस्टा ऑल्सो, और साथ साथ जो है वो इंस्टा पे आप, मैं इंस्टा के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ पूछनी हो जो कमेंट्स में नहीं पूछ सकते वो इंस्टा पे पूछ सकते हैं। तो फ्लाइट का जो ब्लॉग है वो बहुत लंबा हो गया, अब मैं बस उतरूँगा, उतरने के बाद मैं वहाँ पे जो वहाँ का सिनेरियो है कोशिश करूँगा कैप्चर करने की, बस वो कैप्चर करूँगा। फर्दर मोर सिर्फ यही बातें करनी थी आपसे, इस तरह के पॉडकास्ट मेरे आते रहेंगे क्योंकि अभी मैं इस वक्त ओके। अभी आगे जब कुछ वीडियोस और भी बनाऊंगा। अभी जब किस तरह सफ़र के लिए करना है उसके बाद कुछ वीडियोस बनाएंगे वहाँ उतरने के बाद, तो आपको फिर एक कंप्लीट पैकेज इस ब्लॉग में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखते रहिए वीडियो, छोड़िएगा नहीं। आफ्टर 2 hours sleep 2 घंटे सोने के बाद जो है ना वो इन्होंने उठा दिया, जो नज़र आ रही है ना पीछे आंटी आपको, इन्होंने उठाया कि भाई नाश्ता वाश्ता कर लो। तो अब ये मील आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मील वही आया। मैंने चिकन ऑर्डर किया है, तो चिकन और वही समथिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये केक है, थोड़ी सी सैलेड है, चाय के कप में कुछ पत्ती वगैरह है, ये चिकन इसमें से भी निकालेंगे सिंपल। तो जो है वो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं बनाता रहूँगा वीडियो। और बस फ़िलहाल के लिए अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम बाकी, आई डोंट नो, टाइम देखेंगे उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं मेरे साथ। बहुत मज़े की चीज़ें हो रही है, मतलब बात करते हैं। फाइनली 7-8 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया हूं इस लोकेशन पर, और गाड़ी जो है वो लेने आ गई है। ऑलमोस्ट गाड़ी हमें लेने आ गई है, सामान हमने सारा रख दिया है। और ये है अब फाइनली जो है ना वो बंडा फोड़ना पड़ेगा। बेसिकली ये जगह है लागोस, नाइजीरिया। सो नाउ कायरो टू नाइजीरिया भी आ गया। और बस ये व्लॉग जो है वो सफ़र वफ़र ये सारी चीज़ें ये वाली इस पर ख़त्म करते हैं। फर्दर मोर नाउ यू गाइज आर यू नो व्हाट मे बी सरप्राइज्ड। सो अब नाइजीरिया लागोस विज़िट करेंगे, इसको घुमाएंगे जितना हो सका, लेकिन काम ज़रूरी है, काम भी है कुछ यहाँ पर, कुछ काम भी करने साथ साथ, और फिर उसके साथ साथ जो है वो अपने भी जो काम है वो करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि अफ्रीका इजिप्ट के बाद अफ्रीका देखने के बाद आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और दिस इज़ कार पार्किंग ऑफ लागोस एयरपोर्ट, सिंपल। सो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अफ्रीका देखो हो, अल्लाह हाफिज़।